जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, माजी में भी शबीवारा में बात कही गई थी कि ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक जस्ट कॉज होना चाहिए, आर्बिट्रेशन होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी ओपिनियन ने यह कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल अदालत का फैसला है, इस पर हमको इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर कल कोई मुस्लिम खातून ये कहेगी कि ये मेरी शरीयत का हिस्सा है और मैं अपनी शादी को किस तरह से खत्म करना चाहती, क्या करेंगे आप? लेकिन कई मुस्लिम महिलाओं ने तो, अरे आप इतने मुस्लिम महिला, देखिए जो सर्वे आप लोग, हमारे पास जो सर्वे है, एक एम्पिरिकल डेटा है, वो डेटा में 1% भी नहीं है, 0.01 का सर्वे हुआ है। यकीनन ये बुराई है, इसीलिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो इशरा माशरा की तहरीक शुरू की, जिसके जरिए मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर, मुल्क के कोने कोने में जाकर पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि अगर आपको तलाक देना है तो तलाक बिदअत से मत दीजिए, ये गुनाह है इसमें। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना यह है कि तलाक हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट उसका कॉन्स्टिट्यूशन करा दिया है। मगर कल अगर कोई खातून कहेगी नहीं मुझे नहीं रहना है शादी में, तो वो एक ही चीज़ें हैं। तो ये जजमेंट, क्योंकि करीब 400 सफात पर मुश्तमिल है, जजमेंट को पढ़ने के बाद ही, तफसील से पढ़ने के बाद ही मैं समझता हूँ कि इस पर अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया जा सकता है।